खबर लखनऊ से ही है। व्यस्तम चौराहे मुंशी पुलिया पर फ्लावर को हरी झंडी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लावर के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है, स्वीकृति दी है। 2.2 किलोमीटर लंबा होगा ये फ्लावर। 40,000 वाहनों को यहां पर जान से निजात मिलती हुई नजर आएगी। तो ये इस वक्त की एक अहम और बेहतर जानकारी लखनऊ से जानकारी है। व्यस्तम चौराहा मुंशी पुलिया पर फ्लावर को हरी झंडी दिखा दी गई है। जो जाम की समस्या यहां पर होती थी, वो जाम की समस्या से निजात लोगों को यहां पर मिलेगी। राहत जो है लोगों के लिए यहां पर अब बड़ी जो है वो मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्लावर के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, मुंशी पुलिया फ्लावर को हरी झंडी अब दे दी गई है, कितनी राहत लोगों के लिए यहां पर? देखिए शिल्पा, अगर हम लखनऊ की बात करें तो पिछले 15 सालों में अविश्वसनीय तरीके से जो पॉपुलेशन है लखनऊ की, उसमें इजाफा हुआ है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ट्रैफिक की जो दिक्कतें हैं वो भी आएंगी। लेकिन 2017 में जब से भाजपा की सरकार यूपी में बनी, उसके बाद लखनऊ में कई सारे फ्लाईओवर यहां बनाए गए हैं, लोगों को जाम से निजात दिलाई गई है। उसी कड़ी में एक फ्लाईओवर का नाम और जुड़ रहा है, मुंशी पुलिया से पॉलिटेक्निक तक लगभग 2.2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो कि 4 लेन का होगा। इसके साथ ही एक सर्विस लेन भी बनाई जाएगी। तो जब टेढ़ी पुलिया पे राजनाथ सिंह आए थे, वहां पर जब एक पुल का निर्माण हुआ था, तब उन्होंने आग्रह किया था नितिन गडकरी से कि हमारे यहां और भी पुल बनाए जाए, क्योंकि 50 लाख के करीब आबादी लखनऊ की हो चुकी है और डायमेंशन उस तरीके के नहीं है, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम लखनऊ में है। तो अब उनका आग्रह नितिन गडकरी ने मान लिया है। लगभग 170 करोड़ रुपए की यह पूरी परियोजना है, इसको लेकर स्वीकृति दे दी गई है। जल्द ही इसका काम शुरू होगा। लगभग 40,000 से 50,000 वाहन वहां से रोज गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो दिक्कत है वो अब सॉल्व होने वाली है। लेकिन जरूरी यह है कि लखनऊ में और जगह भी फ्लाईओवर बनाए जाए, ट्रैफिक की जो व्यवस्था है यहाँ पे ठीक की जाए, क्योंकि घंटों लोग यहाँ पे जाम में फंसते हैं, जिसकी वजह से चाहे वो एम्बुलेंस हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, उसको भी तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है लखनऊ वासियों के लिए, और आगे इस तरीके के और भी जो सौगातें हैं वो चुनाव से पहले देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मयूर, तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।